नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। और लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए एक अनदर स्टॉक, जो इसको कि आप लोग पैनी स्टॉक भी कह सकते हैं या स्मॉल कैप स्टॉक भी कह सकते हैं। दोस्तों हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग होती है। कई लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि पैनी स्टॉक वो है जो 1 रुपए से कम है, कई लोग कहते हैं कि 10 रुपए से कम वाले को पैनी स्टॉक कहेंगे, कई लोग मानते हैं कि 50 रुपए से कम वाला जो स्टॉक है उसको पैनी स्टॉक कहा जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोस्तों इसका टॉपिक जो रखा है वो है पैनी स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक जो भी कहें। लेकिन जो ये स्टॉक है, ये राकेश झुंझुनवाला जी, जिनको कि बिग बुल कहा जाता है शेयर मार्केट का, उनके पास भी ये स्टॉक है, उनके पास भी इसकी शेयर होल्डिंग उनके पास भी है दोस्तों इस कंपनी की। लेकिन क्या हम लोगों को केवल ये देख के कि राकेश झुंझुनवाला जी के पास ये शेयर है उसी बेस पे इसको खरीद लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, हमें पहले कंप्लीट एनालिसिस करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में सेट होता है, उसी के बाद उसमें बाइंग करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही करने वाले हैं, पूरे स्टॉक की, पूरी कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये मैंने जो आप लोगों के सामने लगाया है दोस्तों, सबसे पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न लगाया है मैंने कंपनी का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 62% की शेयर होल्डिंग है और उसमें से इसने कुछ भी शेयर होल्डिंग को प्लेज नहीं कर रखा है, 0% प्लेज का है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पे आपको देखिए दोस्तों दिसंबर 2018 में प्रमोटर के पास कितने परसेंटेज शेयर थे, 62.03, जो कि इंक्रीज हो गए दिसंबर 2019 तक कितने हो गए हैं, 62.13 दोस्तों। तो इंक्रीज कर रहा है यानी कि खरीदारी कर रहा है, बाइंग कर रहा है यहां पे प्रमोटर। पब्लिक के पास है दोस्तों ऑलमोस्ट 34% के शेयर होल्डिंग, एफपीआई और एफआईआई के पास भी यहाँ पे शेयर है लेकिन थोड़ा सा कम है, 2.43% के, और डीआईआई के पास है दोस्तों 1.29% के, डीआईआई यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास दोस्तों। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि हमने आपको बताया। और राकेश झुंझुनवाला जी के पास भी लगभग इस कंपनी के 1% की शेयर होल्डिंग है। और आगे देखते हैं दोस्तों, स्टडी करते हैं, ये कंपनी दोस्तों एक हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी है, रेगुलरली डिविडेंड पे करती है। हाल ही में 14 मार्च को 2020 को लगभग इसने 1.5 रुपए का, 14 मार्च नहीं दोस्तों 20 मार्च को, सॉरी मैं गलत बोल गया था, 20 मार्च को इस कंपनी ने लगभग 1.5 रुपए, 1.50 रुपीज का इंतरिम डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर को। यहां पे आपको ये देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों 23 मार्च 2020 को। और हर साल ये कंपनी डिविडेंड देती रहती है, रेगुलरली डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को दोस्तों। तो इस कंपनी का डिविडेंड का परसेंटेज भी आप देख सकते हैं। कंपनी का जो शेयर का प्राइस है दोस्तों 20 रुपए से भी कम का है और 1.5 रुपए वो कंपनी अगर आपको इंतरिम डिविडेंड दे रही है तो काफी अट्रैक्टिव वो रहेगा, डिविडेंड भी काफी हाई रहेगी, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब मैंने इस कंपनी का 5 सालों का चार्ट आप लोगों के सामने लगाया है दोस्तों। अब हम लोगों को क्यों ऐसे बाइंग नहीं करनी चाहिए ब्लाइंडली, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी, विजय केड़िया जी, अगर किसी का भी पोर्टफोलियो देख के क्यों नहीं करनी चाहिए? हो सकता है दोस्तों कि राकेश झुंझुनवाला जी ने इसको यहां खरीदा हो, यहां खरीदने के बाद धीरे 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 वो यहां बढ़ गया था ये शेयर और यहां पे उन्होंने अपनी स्टेक कम कर दी हो। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है और यहां से वो कम करते चले जा रहे हो, ऐसा एक्चुअल में है या नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ऐसा हो सकता है, इसीलिए आपको ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है और अपनी एनालिसिस करनी है। तो यहां देख लीजिए दोस्तों, शेयर यहां पे 52 रुपए पे ट्रेड कर रहा था 2015 में और 2018 में इसने टच कर दिया था यहां पे लगभग 140 150 के करीब, यानी कि 3 गुना इसने पैसे कर दिए थे 2 से 2.5 साल में। लेकिन 2018 के बाद दोस्तों ये कंटिन्यूअसली नीचे के लिए फॉल होता चला जा रहा है और इसमें यहां पे ये 20 और 19 रुपए के करीब ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अब इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट मैंने आप लोगों के सामने लगाया, मैक्सिमम चार्ट भी इस कंपनी का ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। 2018 के बाद इसमें डाउनफॉल कंटिन्यूअसली चल रहा है और ये बता देता हूँ डाउनफॉल के रीज़न। एक तो सबसे पहले जितनी भी एनबीएफसी हैं, ये कंपनी भी आप मान लीजिए दोस्तों फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड कंपनी है, आपको कंपनी का नाम भी बताऊंगा और क्या ये काम करती है वो भी बताऊंगा। तो ये एनबीएफसी है और इनमें कंटिन्यूअसली डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है 2017-18 से ही। ये करती क्या है दोस्तों, ये जैसे आपको ऑनलाइन ब्रोकिंग प्रोवाइड करवाती है इक्विटीज़ के लिए, डेरिवेटिव्स के लिए, करेंसी फ्यूचर के लिए, और आपको कस्टमाइज्ड टेलर मेड पोर्टफोलियो भी प्रोवाइड करती है ये कंपनी। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया में तो ऑपरेशन करती है, इंडिया के अलावा यूएई, सऊदी अरेबिया में भी ये कंपनी ऑपरेशन करती है। इस कंपनी की वेबसाइट है दोस्तों geojit.com, geojit.com, उस पर अगर आप लोग जाते हैं तो वहां पे आप स्टॉक को स्क्रीन भी कर सकते हैं, वो स्क्रीनर की तरह वहां पे इस्तेमाल
किया जा सकता है, आप वहां पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह की ये सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जो गवर्नमेंट की गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, इनकी वेबसाइट पे जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसमें कि आपको फ्री डीमैट अकाउंट ये लोग ओपन करके देते हैं। और वो डीमैट अकाउंट दोस्तों, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर को बाय और खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म पे आप लोग करते हैं, जैसे जीरोधा हुआ, एंजल ब्रोकिंग हुआ, तो उसी तरह की सर्विसें कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इस कंपनी का नाम आप लोगों को बता देता हूँ, कंपनी का नाम है दोस्तों जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, लगभग राकेश झुंझुनवाला जी के पास इस कंपनी के 1% की शेयर होल्डिंग है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 482 करोड़ रुपए का, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लीजिए दोस्तों, 12.75 का है। करंट प्राइस चल रहा है 19.90 का। हो सकता है दोस्तों आज की डेट है 14 मई 2020, हो सकता है कि अभी करंट मार्केट में फ्लक्चुएट हो गया हो। जब मैं वीडियो बना रहा था तो 19.90 का इसका करंट प्राइस चल रहा था, तो 20 रुपए से भी कम का ये शेयर है। आरओसी 12.60% की इसकी है दोस्तों। 52 वीक का हाई इसने बनाया था 40 का, और लो बनाया है 14.90 का। आरओई इसका है दोस्तों 6.44% का। डिविडेंड यील्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिविडेंड यील्ड इसकी काफी हाई है, तो डिविडेंड यील्ड के बारे में देख लीजिए दोस्तों, 7.41% का इसका डिविडेंड यील्ड है। प्रमोटर की होल्डिंग मैंने पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर ली, काफी हाई इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करता चला जा रहा है, बेच नहीं रहा है और प्लेज भी नहीं कर रखे हैं। 62.13% के पास प्रमोटर के पास है। डेट इस कंपनी के ऊपर है दोस्तों लगभग 6.5 करोड़ रुपए का, और कैश इक्विवेलेंट है 373 करोड़ रुपए के। तो ये मैं मानूंगा दोस्तों, ये एक डेट फ्री कंपनी, इसको मैं कह सकता हूँ। लगभग 450 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 6 करोड़ की डेट है, और 3.5 करोड़ रुपए से, 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो इस कंपनी का कैश इक्विवेलेंट। तो कैश रिच कंपनी है, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक कहा जाएगा। प्लस शेयर मैंने पहले ही बताया था जीरो है। 5 साल का जो आरओई का आरओसीई का एवरेज है 18.10%। इतना छोटा शेयर दोस्तों, और इतना अच्छा आरओई का एवरेज मिलेगा नहीं आपको। 5 सालों का आरओई का एवरेज 11.10% है, और 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में अगर बात करते हैं तो ये देख लीजिए दोस्तों कितनी हाई है, 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ 80.79%। स्टॉक दोस्तों अपने बुक वैल्यू से जस्ट 0.94 टाइम्स पे अभी अवेलेबल है, यानी कि बुक वैल्यू से भी सस्ता ये स्टॉक मिल रहा है। इसमें एक चीज मैं बोलता हूं दोस्तों, पिछले 2 या 3 सालों में जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो -2.15% की रही है, और 3 साल का इसका रिटर्न ऑन एसेट आरओए 7.14% का है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन 3 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस कंपनी का थोड़ा सा सेल्स देख लेते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कहाँ पे इस शेयर में एंट्री ले लेनी चाहिए। ये शेयर दोस्तों अगर 15-16 रुपए पे आता है तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। पैनी स्टॉक है, इस तरह से एंट्री ना लेके राकेश झुंझुनवाला जी का स्टॉक है तो ब्लाइंडली वहां पे फेथ करके इन्वेस्ट करते हैं, नहीं, एनालिसिस करनी है पहले, अपनी खुद की फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेनी है, और उतने ही पैसे लगाने जितने आप अफोर्ड कर सके। पैनी स्टॉक में वैसे भी दोस्तों ज्यादा आप लोगों को पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो सेल्स देख लीजिए इस दोस्तों इसकी, हम रीड आउट करेंगे पिछले 2-3 सालों की। तो यहाँ 2015 में 321 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी, जो कि घट के हो गई थी 2016 में 269 करोड़ रुपीज की, लेकिन इंक्रीज होके होगी 2017 में 301 करोड़ रुपए, और 2018 में 364 करोड़ रुपए की, जो कि 63 करोड़ रुपए की, जो कि थोड़ा सा घट के फिर से होगी 2019 में 314 करोड़ रुपए की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए दोस्तों, 2016 से लेकर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 2019 में थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि एनबीएफसी जितनी भी हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, वो काफी प्रेशर में है दोस्तों। तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है। इस कंपनी के रिजर्व्स और बोरोइंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। रिजर्व देख लीजिए दोस्तों, हर साल अगर आप एक एवरेज निकालेंगे तो इंक्रीज होता चला जा रहा है। 2019 मार्च में थे इस कंपनी के पास 515 करोड़ रुपए के रिजर्व्स, जो कि 2019 सितंबर में बच गए थे 490 करोड़ रुपए के रिजर्व्स। और बोरोइंग देख लीजिए दोस्तों, लगभग जीरो है, और यहाँ पे 7 करोड़ रुपए की बोरोइंग है, जिसको कि नामात्र का माना जाएगा, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट इस कंपनी के पास काफी अच्छे हैं। तो ये कंपनी थी दोस्तों जिसके बारे में
आप लोगों को बताना था। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा चैनल पे, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए, और आप लोगों के पास इस चैनल की सारी अपडेट्स पहुँचती रहेंगी और शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों के पास पहुँचती रहेंगी। तो ये वो पैनी स्टॉक या वो स्मॉल कैप स्टॉक था दोस्तों, जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए दोस्तों 14 या 15 रुपए करीब, 15 रुपए करीब मान लीजिए आप वहां पे एंट्री आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी 19-20 रुपए करीब ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम इसने 52 वीक का लो बनाया था 14 रुपए के करीब। तो 15 रुपए के करीब आप अगर एंट्री लेते हैं तो सही रहेगा मेरे हिसाब से दोस्तों, और फ्यूचर में ये ग्रोथ दे सकता है। राकेश झुंझुनवाला जी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो कुछ सोच के किया होगा, और साथ ही साथ प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, जो कि एक प्लस इसका साइन है कि हाँ प्रमोटर को भी भरोसा है इस कंपनी पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।